आफ्टर डिलीवरी, ये पोस्टपार्टम फेज जब आपके बेबी की डिलीवरी हुई है, इसमें क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं? क्योंकि इफ यू आर नॉलेजफुल अबाउट इट, इफ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, तो आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप उन चेंजेस को समझ कर एक्सेप्ट कर लेंगे, उनसे जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको फील नहीं होंगे। ये तो बहुत सिंपल रूल है जो आप सबने वर्चू बेबी में एक्सपीरियंस किया है। पर अब आपका एंजल आ गया है तो बहुत सारी एनर्जी आपकी तो उसी में निकल जानी है, तो आप अपने लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालें। सो अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, द बायोकेमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी, द एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी। ये टर्म्स बहुत मेडिकल हैं, बट आप सब तो बहुत नॉलेजफुल पेरेंट्स हो ना, तो इसलिए आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, बट वो सब सेटल हो जाएगी। अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो हॉस्पिटल में आप 1 से 2 दिन रहेंगे, अगर आपका सिजेरियन बर्थ है तो 2 to 4 days रहेंगे एंड यू विल बी बैक होम। तो इसलिए छोटे छोटे चेंजेस जो आपकी बॉडी में होने हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपके फिजिकल होते हैं वो होता है यूट्रस। आपका यूट्रस जो है, जैसे ही बेबी आता है उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आता है, जो प्लेसेंटा आपकी बेबी को 9 months तक नर्चर करता है, आपकी बेबी की डिलीवरी के विद इन अबाउट 20 to 30 minutes आ जाता है बाहर। एंड जैसे ही वो बाहर आता है, आपका यूट्रस सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी ब्लीडिंग जो है वो ठीक रहे। नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्लीडिंग होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अमाउंटिंग टू अबाउट 1 cup, दैट मीन्स 200 to 250 ml, एंड कोई ना कोई कट या टेयर होता है तो अनदर 200, तो अराउंड हम मानते हैं 400 to 500 ml तो निकल जाता है। बट सिजेरियन में वो थोड़ा 200 अप्रॉक्सीमेटली ज्यादा होता है। तो ये तो हमारे को पता है, तो हम फिर ब्लीडिंग से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता ही है। जैसे जैसे हमारा यूट्रस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, अगर आप डिलीवरी के बाद देखेंगे तो जनरली आपको आपके नेवल के आसपास अगर आप अपना हैंड रखेंगे तो यू विल बी एबल टू फील अ वेरी फर्म ऑर्गन, और वो फर्म ऑर्गन यूट्रस है। और वो अब हर एक दिन के बाद वो एक एक विड्थ ऑफ फिंगर से नीचे नीचे जाता जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ अबाउट 6 weeks 40 days वो बिल्कुल आपको फील होना बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल अपना नॉर्मल ओरिजिनल साइज अबाउट 6 to 7 centimeters पे आ जाएगा, बिल्कुल इतना सा। और ये कौन कर रहा है? ये तो नेचर कर रही है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, और आपको क्या करना है कि आप अपनी बॉडी को हेल्प करें कि आपका यूट्रस भी जल्दी इन्वोल्यूट करे। फीडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे आप ब्रेस्ट फीड करते हैं वैसे वैसे आपका यूट्रस और इन्वोल्यूट करता है और अपने नॉर्मल पोजिशन पे जाता है। अब जब वो छोटा होता जाता है, नॉर्मल पोजीशन में जाता है, तो बट ऑब्वियस है कि उसका, जैसे अभी अगर अपने हाथों को आप स्क्वीज करेंगे तो आपको दर्द होगी, इसी तरह यूट्रस भी जब स्क्वीज करता है तो थोड़ी पेन होती है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो और ज्यादा कंस्ट्रिक्ट होती है, वो उसी कंस्ट्रिक्शन से इन्वोल्यूशन होती है और उसी कंस्ट्रिक्शन से पेन होती है, जिसको हम आफ्टर पेन्स कहते हैं। इमीजिएटली आफ्टर डिलीवरी आपको सडनली एक तो बहुत एम्प्टी फीलिंग होती है एब्डोमेन में, एंड आपको पेट में जो है दर्द होने लगती है, आपको यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड जब आपको वो आफ्टर पेन्स हो रही हो तो आपका माइंड क्या थॉट क्रिएट करे कि माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग सो ब्यूटिफुली थ्रू दिस ब्यूटिफुल डिलीवरी प्रोसेस, मेरा मिरेकल मोमेंट मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे बेबी को मैंने स्किन टू स्किन टच किया, मेरे बेबी को मैंने इमीजिएटली फीड किया और उससे मेरा यूट्रस इमीजिएटली बिल्कुल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन्वोल्यूट कर रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट स्टेज से सारा का सारा प्रोसेस आप मेंटली भी विजुलाइज कर रहे हैं और फिजिकली भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत सारे और चेंजेस हैं, आपका सर्विक्स, आपका वजाइना, वो भी अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आएगा, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे उसकी स्वेलिंग, उसके ब्लड वेसल्स कम हो जाएंगे। और जो यूट्रस जब जब आता है वो नॉर्मल साइज में, तो वो जो लाइनिंग है जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हुई थी ओवर दीज 9 months आपके बेबी को नर्चर करने के लिए, वो लाइनिंग अब शेड होगी, सो दैट रेडिश
म्यूकोइड डिस्चार्ज जो पीरियड्स जैसा होता है, जिसको हम लोकिया कहते हैं, वो कंटिन्यू करता है अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 1 week टू मे बी इवन 4 to 6 weeks. 1 week में भी वो बंद कभी नहीं होता है, बट वो रेडिश से टोन होके, वो थोड़ा पेल रेड होके, पिंकिश होके, येलोइश टैन में चला जाता है बाय द नेक्स्ट 4 weeks. एंड ब्लीडिंग भी आपको ऑफ एंड ऑन हो सकती है. सो कई बार आप सडनली उठते हैं, थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बच्चे को उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी ब्लीडिंग बढ़ जाती है. सो दैट्स नॉर्मल. अगर ऐसा हो, एंड स्पेशली मैंने देखा है कि इफ़ यू आर गोइंग टू यूरिनेट और पास मोशन और यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ, तो उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा होती है. एक तो कलेक्टेड बाहर आता है, दूसरा थोड़ा एक्टिविटी बढ़ने से भी हमारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस में थोड़ा डिफरेंस आता है. तो इसीलिए अगर अभी लगे बढ़ गई है तो थोड़ा रेस्ट कर लें. ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल सी इट विल गो अवे. एंड कुछ वार्निंग साइंस है जिनके बारे में हम जरूर आपको बताएंगे कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है. तो इसीलिए ये फिक्र नहीं करिएगा. अब यूट्रस सर्विक्स वजाइना तो वापस आ गया. वजाइना में भी जब हम आते हैं आपके लेबिया पे, थोड़े लेबिया लिप्स जो हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं, थोड़े से डार्क भी हो जाते हैं एंड थोड़े फर्म भी हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारा हॉर्मोन गया है उनमें. धीरे धीरे लाइटन हो जाएंगे, सॉफ्टन हो जाएंगे, बट पूरी तरह वो प्री प्रेगनेंट स्टेट पे नहीं आएंगे. अब इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं? आपके बॉडी में बहुत हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं. इमीडिएटली आपका बेबी जैसे ही बाहर आता है, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल एकदम खत्म हो जाता है. तो आपकी बॉडी को यू नो दैट हॉर्मोन हंगर फील होती है. तो वो जो डिप्रेसिव मूड्स, लो सेल्फ एस्टीम, इरिटेबिलिटी, फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, फीलिंग या तो बहुत स्लीपी या लैक ऑफ स्लीप, या बहुत भूख या बिल्कुल भूख नहीं, बेबी के साथ बॉन्डिंग इश्यूज, ये सब उन हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं. बट आज आपको पता है तो आप उसे ओवरकम कर लेंगे. वी आर नॉट वरीड एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सर्कुलेशन में चेंजेस आते हैं. आपकी बॉडी जो है बहुत वाटर अक्यूमुलेट करती है इन 9 months में आपके बेबी को नर्चर करने के लिए. अब डिलीवरी होने के बाद तो वो सब एकदम बाहर आएगा. तो वो कैसे बाहर आता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. इसीलिए प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी यू फील मोर वार्म, एंड डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत गर्मी लगती है. बिकॉज एक तो आपकी बहुत सारी एनर्जी एक्सपेंड हुई है उस डिलीवरी के प्रोसेस में. सो आपके सेल्स भी थोड़े से हॉर्मोन हंग्री हैं, तो इस वजह से भी ज्यादा स्वेटिंग भी होती है. और इतना जो एक्सेस वाटर एक्यूमुलेटेड है वो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में पहुंच जाता है. तो इसीलिए वो भी बहुत एक इश्यू है जो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा. तो पहले 2-3 दिन आपको बहुत यूरिन आएगा, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे इट विल स्टार्ट सेटलिंग, बट इट एक्चुअली कंटिन्यूज फॉर अबाउट अ मंथ. सो गिव योर बॉडी सम टाइम टू अडेप्ट. 5th जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है यूरिनरी सिस्टम के चेंजेस, बावल सिस्टम के चेंजेस. आपका बेबी जब वजाइनल बर्थ के थ्रू आता है या इवन सिजेरियन बर्थ के थ्रू आता है, सिजेरियन में हम आपके यूरेथ्रा पे कैथेटर डालते हैं ताकि आपका ब्लैडर बिल्कुल हमारे सर्जरी के रास्ते में ना आए, और वजाइनल बर्थ में आपका यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उस पर बहुत प्रेशर डाला जाता है. हेड जो होता है बेबी का वो प्रेशर डाल के आता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सोर हो जाता है. सो डोंट वरी अबाउट इट, वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा. किसी किसी को फर्स्ट फ्यू आवर्स में यूरिन पास करने में थोड़ा चैलेंज भी आता है, बट डोंट वरी. पोर सम वार्म वाटर ओवर योर पेरिनियम. थोड़ा गर्म टॉवल लेके आप अपने हेयरलाइन है जो नीचे, उसके ऊपर वो रखिए, प्रेस करिए, एक टैप चला दीजिए, आपको यूरिन आ जाएगा. और अगर 1% नहीं भी आएगा तो हम आपको एक छोटा सा पतला सा कैथेटर डालेंगे जिससे आपका ब्लैडर ईजी हो जाए, एंड फिर आप इसके बाद अपने आप पास करने लगेंगे. बहुत रेयर होता है कि हमें किसी को 2 दिन तक कैथेटराइज भी करना पड़ता है ताकि उनके यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम ना आए, बट इट्स नॉट वरीसम माय डियर. ये याद रखना इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बावल के लिए बताया, हेमरॉइड्स बन जाते हैं जिनको हम पाइल्स कहते हैं, जो हमारी रेक्टल वेन्स होती है, जो रेक्टम एरिया की वेन्स हैं उसमें वेरिकोसिटीज होती हैं. प्रेशर बहुत होता है यूट्रस का, इसलिए रेक्टल वेसल्स जो है वो स्वेलअप हो जाती है, और वो सीडलिंग से लेके ग्रेप के साइज तक की हो जाती है. आपका क्या रोल है? अगर आपका ऐसा है और डिलीवरी के टाइम बहुत प्रेशर भी पड़ा है तो वो स्वेलिंग नहीं जा रही है, वो धीरे धीरे जाएगी.
आप सिट्स बात करिए, गर्म पानी में थोड़ा सा बीटाडीन सॉल्यूशन डाल के यू सिट इन दैट एंड इट शुड नॉट बी वेरी वार्म, इट शुड जस्ट बी ल्यूकवार्म वाटर. सो उससे भी आपकी स्वेलिंग सेटल होगी. इनफैक्ट जो स्टिचेस आपके लगे हैं उसकी भी पेरिनियल केयर हो जाएगी उससे. आपको बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा आपको होल ग्रेन्स वाली चीजें खानी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो. एंड अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे तो प्लीज टेक अ स्टूल सॉफ्टनर ऑल्सो. आपके फ्लूइड्स, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके रॉ फूड, होल ग्रेन्स अगर ये इनफ है, फ्लैक्स सीड्स, ये सब बहुत अच्छे हैं. सो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. तो अगर आपकी जो रेक्टल वेरिकोसिटीज या हेमरॉइड्स या पाइल्स हैं भी, तो आपका बावल अच्छे से हील होगा क्योंकि आपने करा है वो एफर्ट समझने का कि ये क्यों है और उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या डाइटरी चेंजेस करने हैं, मुझे कैसे उसकी केयर करनी है. बहुत सारी लोकल ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो हम आपको दे सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं. क्योंकि इस टाइम पर डेवलप हुए फिशर्स, जो कट्स आपके रेक्टम पे डेवलप होते हैं, उनका चांस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको केयरफुल रहना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके स्किन और हेयर चेंजेस वो भी होते हैं. कई बार आपके बहुत फेस पे एक्ने आ जाते हैं, कई बार एक्सेसिव अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, स्किन बहुत डार्कन हो जाती है, रफ हो जाती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये सब भी आपके चेंजेस धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे. हॉर्मोन्स विदड्रॉ कर गए हैं तो थोड़ा चैलेंज है, बॉडी कर लेगी टेक ओवर. आप अपनी बॉडी को अच्छा डाइट दीजिए, लॉट ऑफ फ्लूइड्स दीजिए, वाइटामिन सपोर्ट्स हम आपको देंगे और आप अपने बेबी के साथ बहुत प्यार से बॉन्डिंग करिए क्योंकि वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज कराएगा और बहुत अच्छे से फील गुड हॉर्मोन्स भी सिक्रेट कराएगा, जिससे आपकी बॉडी बहुत बहुत हेल्दी रहेगी. जहाँ माइंड कंफ्यूज, स्ट्रेस्ड, एंग्शियस होता है, जहाँ सपोर्ट सिस्टम्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, वहाँ पे हार्मोनल हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए हम कभी कभी थोड़ा लो हो जाते हैं. बट हमने तो वर्चू बेबी क्रिएट किया है, हमने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, अपने बेबी को बेस्ट स्टार्ट ऑफ लाइफ देने के लिए, अपने माइंड को साइलेंट करने के, स्ट्रेस फ्री करने के टेक्निक सीखने के लिए. तो इसलिए हम अपनी केयर आफ्टर डिलीवरी बहुत अच्छे से करेंगे. एंड इसके लिए हम आज से ही सब कुछ सुन रहे हैं और हम बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, हम बहुत नॉलेजफुल भी बन रहे हैं और कॉन्फिडेंट पेरेंट और कॉन्फिडेंट मदर एंड फादर बन रहे हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप देखेंगे कि कितना आप अपने इस पोस्टमार्टम फेज को, जो लोग कहते हैं डिप्रेस्ड होते हैं, ब्लूज होते हैं और एंग्जाइटी होती है, आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मेरा तो बेबी ही एंजल आया है. तो ये है सारा वर्चू बेबी की, वर्चू बेबी के साथ एक्चुअली अपनी बॉडी को भी अलाइन करना, अपने बॉडी को भी इतना पॉजिटिव और पावरफुल बनाना कि आपका ये एक्सपीरियंस परफेक्ट होगा.